हाय एवरीवन, कैसे आप सब लोग? आई होप ऑल आर फाइन। बच्चों, आज हम केमिस्ट्री का एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, एसिड बेस एंड सॉल्ट। ठीक है, एसिड बेस एंड सॉल्ट। ठीक है, देखो एसिड बेस और सॉल्ट क्या होता है, इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, एसिड की प्रॉपर्टी क्या होती है, ये हमें सब कुछ यहाँ पे पढ़ना है। हमें हर एक एसिड की प्रॉपर्टी पढ़नी है यहाँ पे, HCl की, H2SO4 की, ये ब्लू विट्रल क्या होता है, व्हाइट विट्रल क्या होता है, ग्रीन विट्रल क्या होता है, सबके बारे में यहाँ पे पढ़ना है। ठीक है, एसिड रेन क्या होती है, सिर्फ हम 10th 10th तक का कवर नहीं करेंगे, यहाँ पर थोड़े से और जो कंसेप्ट बनते हैं सारे डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब देखो एसिड बेस सॉल्ट क्या होता है। जो बच्चा जिसको एसिड बेस सॉल्ट आता है उसको भी अगर वीडियो देखेगा तो बहुत कुछ नया मिलेगा। यहाँ पे दो ही क्लास का चैप्टर है, एक आज और एक कल कंप्लीट हो जाएगा ये। ठीक है, क्या होता है बच्चों एसिड बेस सॉल्ट, एसिड क्या होते हैं? देखो हमें एसिड को दो कंसेप्ट में समझना है, एसिड को दो कंसेप्ट में समझना है, एक क्लासिकल थ्योरी है, एक हमारी मॉडर्न थ्योरी है। क्लासिकल थ्योरी जो सदियों से चलती आई है, ठीक है, जो एसिड के बारे में सिंपल बताती है हमें कि एसिड क्या होते हैं। मॉडर्न थ्योरी है जहां पर हमें आरिनेस, ब्रोंस्टेड, लेविस कंसेप्ट पढ़ने हैं एसिड के बारे में, इनका आइडिया भी हमें लेना है यहाँ पे। ठीक है, देखो बच्चों क्लासिकल थ्योरी क्या है एसिड बेस की, क्लासिकल थ्योरी क्या है एसिड एंड बेस की। क्लासिकल थ्योरी ने सिंपल क्या बताया था, जो एसिड होता है वो क्या होता है, जो ब्लू लिटमस को रेड कर दे। बचपन से सुनते आ रहे हो, बिल्कुल थर्ड क्लास से सुनते आ रहे हो ये वाली बात, जो ब्लू लिटमस को क्या कर दे, रेड कर दे, वो क्या होता है, हमारा एसिड होता है। ठीक है, अब हमसे पूछेगा कि एसिड है जो, ये लिटमस पेपर है बच्चों, ये किस चीज का बना होता है, लिटमस पेपर है जो किस चीज का बना होता है, ये लाइकेन का बना होता है। किस चीज का बना होता है, लाइकेन का। ठीक है, अब हमसे क्या पूछेगा कि जो एसिड है वो टेस्ट के अंदर कैसे होते हैं। देखो जो ये लिटमस पेपर है, इंडिकेटर है, ये हमें अलग से भी पढ़ने हैं, इसी चैप्टर में हम अलग से इनको पढ़ेंगे। ठीक है, अभी थोड़ा एसिड के बारे में पढ़ रहे हैं, इंडिकेटर के बारे में अलग से पढ़ना हमें कि ये लिटमस पेपर कैसे, जैसे हल्दी है हमारी, तो वो क्या होती है, जब जैसे ही वो कॉन्टेक्ट में आती है किसी भी बेस के तो वो एकदम रेड हो जाती है, तो सारी चीजें पढ़नी है हमें यहाँ पे। ठीक है, अब देखो एसिड क्या होते हैं, खट्टे होते हैं, श्योर इन टेस्ट होते हैं, खट्टे होते हैं। ठीक है, अब एसिड खट्टे होते हैं और क्या करते हैं, ब्लू लिटमस को रेड, ये एसिड की डेफिनेशन है, इतनी एसिड की डेफिनेशन है। अब एसिड की कुछ प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी तो बहुत सारी है, लेकिन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है कि जब भी एसिड मेटल के साथ कॉन्टेक्ट में आएगा तो क्या बनाएगा, मेटल सोल्ट, क्या बनाएगा, मेटल सोल्ट और H2 गैस। ठीक है, H2 गैस क्या कर देगा, रिलीज कर देगा और मेटल सोल्ट यहाँ पे बना देगा। ठीक है, तो बच्चों देखो पहले तो तुम लोगों को ये पता होना चाहिए कि एसिड है कौन कौन से। ठीक है, वैसे अलग अलग से करने हैं, प्रॉपर्टी भी करनी है, लेकिन नॉर्मल आइडिया लोगे तो एसिड सबको पता है, HCl होता है, H2SO4 होता है, ठीक है, HNO3 होता है, ऑक्जेलिक एसिड होते हैं, ठीक है, जो कार्बोनिक एसिड होते हैं, सिट्रिक एसिड होते हैं, ये सारे क्या है, एसिड, ये भी हमें पढ़ने हैं। ऑर्गेनिक एसिड, इनऑर्गेनिक एसिड कौन से होते हैं। ठीक है, अब देखो जो एसिड है मेटल के कॉन्टेक्ट में आएगा एसिड तो क्या बनाएगा, मेटल सॉल्ट और H2 गैस। ठीक है, तो यहां पर हमें क्या देखना है, जो एसिड है कौन सा एसिड ऐसा है, क्वेश्चन आता है कौन सा एसिड ऐसा है जो मेटल के कॉन्टेक्ट में आने पर मेटल सोल्ट नहीं बनाता, ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, ये ठीक है, सबको पता है कि यहाँ पर मेटल कुछ भी ले लूं मैं, जिंक ले लिया, ठीक है, और HCl के साथ रिएक्शन करवा दी तो ZnCl बना देगा और H2 गैस रिलीज हो जाएगी। ठीक है, ये सबको आती है रिएक्शन, कुछ और ले लिया, Na ले लिया, HCl से रिएक्शन करवा दी, NaCl बन गया और H2 गैस रिलीज होगी। ठीक है, तो ये सिंपल सी बात है, लेकिन यहाँ पर क्या है समझने वाली चीज कि जो ऐसा कौन सा एसिड है जो इसके साथ कॉन्टेक्ट में आए लेकिन H2 गैस रिलीज ना हो। ठीक है, तो वो कौन सा एसिड है बच्चों, HNO3। एक्सेप्ट HNO3, सभी के सभी H2 गैस को रिलीज करेंगे। ठीक है, सभी के सभी H2 गैस को रिलीज करेंगे। ठीक है, अब हमसे पूछेगा कि ऐसी कोई मेटल भी तो होगी जो एसिड के साथ रिएक्शन करे और H2, ये रिएक्शन कंप्लीट ना हो, मतलब ये रिएक्शन ही ना हो, ये रिएक्ट ही ना करे, H2 गैस रिलीज ही ना हो, तो ऐसी कौन सी रिएक्शन होगी बच्चों, आप किससे याद करोगे उनको, CHAPA। ठीक है, चापा छापा कुछ भी करके याद कर लेना। देखो सी से क्या, कॉपर, एच से क्या, मरकरी, ए से क्या, सिल्वर, प्लेटिनम, गोल्ड, ये ऐसी मेटल है
ये पांचों ऐसी मेटल है जो इस रिएक्शन में H2 गैस को रिलीज नहीं करती, रिएक्ट नहीं करती, ठीक है। दे रिएक्ट इन एसिड। हाँ देखो, ये ऐसी मेटल है जो इसके साथ रिएक्ट करती है बट H2 गैस को रिलीज नहीं करती, H2 गैस को रिलीज नहीं करती। कैसे भी करके याद रखो, मैंने ऐसे याद किया हुआ है, आप और तरीके से भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमारी मेटल होगी, क्या इंपॉर्टेंट बहुत है ये रिएक्शन, अच्छे से करेंगे इसको। ये रिएक्शन है सेकंड, एसिड की रिएक्शन करवानी हमें मेटल कार्बोनेट के साथ, मेटल बाइकार्बोनेट के साथ। तो ये बोल रहा है क्या बनेगा, मेटल सॉल्ट बनेगा, H2O बनेगा और CO2 बनेगा, ठीक है। यानी कि हमें एसिड की रिएक्शन, फॉर एग्जांपल मैं मुझे HCl की रिएक्शन किसके साथ करवानी है, मेटल कार्बोनेट Na2CO3, ये क्या होता है बच्चों, मेटल कार्बोनेट, ठीक है, इसके साथ करवानी है। तो क्या बोल रहा है, मेटल सॉल्ट बनेगा, मेटल सॉल्ट क्या होता है, NaCl, ठीक है, H2O बन जाएगा और CO2 बन जाएगा, ऐसे बोल रहा है, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। अब ये बोल रहा है कि इसकी रिएक्शन HCl की किसके साथ करवानी है, मेटल बाइकार्बोनेट के साथ, यानी कि NaHCO3, ये होता है बच्चों बाइकार्बोनेट, ठीक है। एस्टेट में क्वेश्चन आया था इसमें और इसमें क्या अंतर है, तो एक हाइड्रोजन का अंतर है इसमें, कुछ भी फर्क नहीं है, हाइड्रोजन का फर्क है, ठीक है। ये बात मैं काफी टाइम रिपीट कर चुकी, बेकिंग सोडा और सोडा इसमें क्या फर्क है, ठीक है। अब देखो ये क्या बन जाएगा, NaCl प्लस, हाँ इसलिए रिपीट करती हूँ ताकि तुम लोग याद रखो, ये 2 बार आ चुका है क्वेश्चन और बार बार रिपीट करती हूँ, केमिस्ट्री में बहुत बार आ चुका है, ठीक है। तो देखो इसकी रिएक्शन से क्या बन गया, सोल्ट, इसके रिएक्शन से क्या बन गया, सोल्ट, ठीक है, दोनों में क्या बन गया, मेटल सोल्ट H2CO2, ठीक है। अब देखो बच्चों मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दोगे आप, ठीक है, मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दोगे जो हमारे DSSB में भी आया था और हमारे SSC के एग्जाम में भी आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। SSC में भी साइंस पूछी जाती है, 5-6 नंबर की पूछी जाती है। देखो विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिलीज CO2 गैस, ये बोल रहा है कि कौन सा ऐसा है जो HCO2 गैस को रिलीज नहीं करता जब उसकी रिएक्शन करवा देते हैं डाइल्यूट HCl से, यानी कि मतलब एसिड से रिएक्शन हो गई और कौन CO2 रिलीज नहीं करता, ऐसा इनमें से कौन है, और ऑप्शन यही चारों थे, ठीक है। वो लाइमस्टोन है, लाइम है, मार्बल है, चाक है, इनमें से बताना है। तो देखो बच्चों आप लोग मुझे बताओगे और मुझे 100% विश्वास है, मतलब कुछ बच्चों को छोड़कर इसका मतलब जो आप नहीं आता, सबको सबको नहीं आता होगा, सबको क्या, आधे बच्चों को भी नहीं आता होगा, ठीक है। देखो लाइमस्टोन क्या होता है, CaCO3, लाइमस्टोन क्या होता है, CaCO3, मार्बल क्या होता है, CaCO3, चाक क्या होता है, CaCO3, ये तीनों CaCO3 होते हैं, ठीक है, यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट होते हैं। और लाइम क्या होता है बच्चों, CaO, CaC, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। हमने रिएक्शन क्या पढ़ी है कि मेटल कार्बोनेट हो या तो, या फिर मेटल बाइकार्बोनेट हो, वही हमारे पास हमको क्या देगा, मेटल सॉल्ट देगा, H2 देगा और CO2 को क्या करेगा, रिलीज करेगा। तो इसके अंदर मेटल का कार्बोनेट और तो है ही नहीं, मतलब मेटल कार्बोनेट नहीं है, ये तीनों मेटल कार्बोनेट है, ये भी, ये भी, ये भी। तो आंसर था हमारा लाइम, आंसर था बच्चों हमारा लाइम, ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ है। अब एक चीज देखना बच्चों यहाँ से कि ये जो CaCO3 नहीं कैसे बना, CaCO3 है कैल्शियम कार्बोनेट, एनसीईआरटी में अच्छे से गिवन है, कैसे बना है। अब मैं चेंज कर लेते हैं इसको, मार्कर को, देखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन करवा दूं मैं CO2 से, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन करवा दूं मैं CO2 से, कार्बन डाइऑक्साइड से, CaCO3 बन जाएगा और साथ में H2O निकल जाएगा, ठीक है। हमें ये नहीं देगा बिल्कुल भी, ठीक है, हमें क्या देगा कि जो ये CaCO3 बना है, पहले तो हमें ये देगा कि इसकी रिएक्शन अक्सस में CO2 से करवा दे, अक्सस में डाइऑक्साइड से करवा दे, कार्बन डाइऑक्साइड से, तो क्या बनेगा इसकी रिएक्शन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की, तो इसका तो हमें हिसाब भी नहीं आने देगा पेपर में कि ये भी बीच में है, ठीक है। तो इसकी रिएक्शन CaOH की होल ट्वाइस अक्सस में फिर से CO2, फिर से मतलब अक्सस डाल देना यहाँ पे, तो क्या बनेगा CaHCO3 की होल ट्वाइस सी, ठीक है, प्लस CO2 जो भी निकलेगा, ये मतलब मेन प्रोडक्ट हमारा ये बनेगा, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल ये बनेगा हमारा मेन प्रोडक्ट।
अब हमसे पता है क्या पूछेगा, पहले तो ये पूछेगा कि इसकी रिएक्शन अक्सस में करवा दे CO2 से तो क्या बनेगा, तो हमारा ये बनेगा। अब हमसे ये पूछेगा क्या ये सोल्यूबल है या इनसोल्यूबल है, ठीक है, वाटर के अंदर सोल्यूबल है इनसोल्यूबल है या क्या है? तो ये वाटर के अंदर बच्चों सोल्यूबल है, ये वाटर के अंदर सोल्यूबल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है ये, ठीक है, ये वाटर में क्या है सोल्यूबल है। तो यहां से हमारे पास इतने क्वेश्चन बनेंगे इस रिएक्शन के, इसके साथ इसकी करवाई मेटल साल्ट बनेगा, ठीक है। अब हमसे पूछेगा जो मेटल साल्ट है, एक क्वेश्चन वो आया हुआ है, यहाँ से आपको बस ये पता होना चाहिए कि मेटल के कार्बोनेट क्या होता है, जैसे वो CaCO3 मेटल कार्बोनेट है, ZnCO3 मेटल कार्बोनेट है, जिसके साथ मतलब CO3 ZN लिखा हो कुछ भी हो, कार्बोनेट और को तो पहचान ही जाओगे, मतलब मुझे तो पता नहीं कैसा लग रहा है कि इसको भी ना पहचानो तुम, इसको तो पहचान ही जाओगे, ठीक है। तो ये रिएक्शन यहाँ पे कंप्लीट। हाँ देखो बच्चों नेक्स्ट क्या हमारे पास, बेस। नेक्स्ट क्या है, बेस, ठीक है। क्लासिकल थ्योरी क्या बोलती है बेस के बारे में, ये क्या करता है रेड लिटमस को ब्लू कर देता है, रेड लिटमस को क्या कर देता है बच्चों, ब्लू कर देता है, ठीक है। और टेस्ट के अंदर बिटर होता है, कड़वा होता है, टेस्ट में कैसा होता है कड़वा होता है। और सो जो इसको टच, जो टच होता है ना इसका, बिल्कुल साबुन के जैसा टच होता है, ठीक है, इसका जो टच होता है बिल्कुल साबुन जैसा होता है, सोपी टच होता है, ठीक है। इट इज क्रसिव नेचर, मतलब अगर हम इसको फ्री छोड़ दे तो इसके ऊपर जंग लग जाता है, ठीक है। एसिड का भी सेम यही है कि अगर उसको हम फ्री नहीं छोड़ सकते, उसको किसी बोतल के अंदर बंद करके रखना पड़ता है, ठीक है। एसिड को किस में रखना पड़ता है, बोतल में। आपने लैब में देखा होगा एसिड को, देखो कितनी ज्यादा, मतलब एसिड को एकदम खोलते कैसे उसके अंदर से ईट से निकलती है ना, तो एसिड को हमेशा हम बोतल के अंदर बंद रखते हैं, सेम ऐसे ही हम बेस को भी बोतल के अंदर बंद रख करके रखते हैं, ठीक है। ये हमारी क्लासिकल थ्योरी है, यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ठीक है। हाँ अब देखो बच्चों, अब हमारे पास है आरिनेस कंसेप्ट, ठीक है। आरिनेस कंसेप्ट क्या है बच्चों, यहाँ पर आरिनेस कंसेप्ट में मैं एक्वस लिखूंगी, एक्वस, एक क्या उसे मैं क्या लिखूंगी एक्वस, ठीक है। और वो किसके लिए लिखूंगी मैं, यहाँ पर जो सॉल्वेंट होगा हमारा, सॉल्वेंट होगा वो कौन होगा, वाटर। सॉल्वेंट कौन होगा बच्चों, वाटर। अब देखो समझो, मैं अगर किसी भी एसिड को अगर मैं पानी के अंदर डाल दूं तो वो एच पॉजिटिव को छोड़ देगा, ठीक है। यहां से मैंने HCl को H2O में डाला, ठीक है, या फिर H2SO4 को H2O में डाला, किसी भी एसिड को अगर मैं इसके अंदर डालूं तो ये यहाँ पर तीनों में क्या करेगा, एच पॉजिटिव आयन को ये एसिड छोड़ देगा, ये एच पॉजिटिव आयन को छोड़ देगा, तो ये क्या होता है बच्चों, एसिड। एसिड को हम चेक कैसे किया, हमने एसिड था उसको पानी में डाला, अगर उसने एच पॉजिटिव आयन को छोड़ दिया इसका मतलब वो एसिड था, अगर वो OH नेगेटिव को छोड़ देता है इसका मतलब वो बेस होता, चलो अब करेंगे वो बेस। तो ये समझो देखो, यहां से ये इसने क्या किया बच्चों, एक एच पॉजिटिव को छोड़ दिया, यहां से इसने दो एच पॉजिटिव को छोड़ दिया, ठीक है। एक बार इन दोनों के बारे में समझ लेते हैं, देखो इसने एक एच पॉजिटिव को छोड़ा, इसने दो एच पॉजिटिव को छोड़े, ये एच पॉजिटिव किसके साथ कंबाइन हो जाएगा बाद में, H2O के साथ, H2O एच पॉजिटिव को लेकर H3O पॉजिटिव बना देगा, ठीक है। यहां से ये एच पॉजिटिव है जो, ये एच पॉजिटिव जो छूटेगा वो H2O के साथ कंबाइन होकर क्या बना देगा, यहां से H3O पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, H3O पॉजिटिव प्लस HSO4 नेगेटिव, ठीक है। ये बात समझ में आ गई होगी। अब देखो एसिड क्या होते हैं, या तो वो पानी के अंदर H पॉजिटिव आयन को छोड़ दे, पहली डेफिनेशन जो अभी करवाई। सेकंड डेफिनेशन क्या है, अगर वो पानी के अंदर हमें क्या मिले, H3O पॉजिटिव आयन मिले, तो इसका मतलब वो क्या है, एसिड है, वो क्या है, एसिड है, ठीक है। या तो हमें H पॉजिटिव या फिर हमें H3O पॉजिटिव, ये दोनों मिले तो क्या है बच्चों, वो एसिड है, ठीक है। अब यहां से एक कंसेप्ट और आता है, एक कंसेप्ट और आता है, ठीक है। देखो ये छोड़ेगा एक एच पॉजिटिव, ये छोड़ेगा यहां से दो एच पॉजिटिव, हमसे पूछेगा कि एसिड है इसकी बेसिसिटी बताओ, बेसिसिटी बताओ। बेसिसिटी क्या होती है बच्चों, एसिड की बेसिसिटी होती है हमेशा एच पॉजिटिव कितने छोड़ेगा, एच पॉजिटिव कितने छोड़ेगा, ठीक है। मतलब इसने कितने एच पॉजिटिव छोड़े, एक, तो इसकी बेसिसिटी है वन। इसने कितने एच पॉजिटिव छोड़े, दो, तो इसकी बेसिसिटी कितनी होगी, दो, ठीक है। यहां से हमसे बेसिसिटी पूछ सकता है वो, यहां से हमसे क्या पूछेगा, बेसिसिटी। तो यहां से जितने एच पॉजिटिव छोड़े उतनी उसकी क्या होती है, बेसिसिटी। ये होता हमारा एसिड, ठीक है, ये होता बच्चों हमारा एसिड।
अभी हम कर लेते बेस, बेस ठीक है। अब देखो बेस क्या होता है, अगर वो बेस जो बेस है हमें तो पता ही नहीं वो बेस है, उसको किसी भी कंपाउंड को अगर हमने सॉल्वेंट में डाल दिया, और सॉल्वेंट हमारा क्या है, वाटर है, तो क्या हो जाएगा वो एच पॉजिटिव को अगर छोड़ दे तो इसका मतलब वो बेस है, ठीक है। मैं अगर NaOH को पानी में डाल दूं और NaOH ने OH को छोड़ दिया, क्या हो जाएगा, टूट जाएगा Na पॉजिटिव की फॉर्म में OH नेगेटिव की फॉर्म, ठीक है। ये पानी में जाके क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, ठीक है, Na पॉजिटिव की फॉर्म में और OH नेगेटिव की फॉर्म में। अब मुझे इसकी एसिडिटी बता दो क्या होगी, एसिडिटी NaOH की एसिडिटी क्या होगी हमारे पास, क्योंकि इसने एक एच पॉजिटिव को छोड़ा तो इसकी एसिडिटी क्या होगी, वन होगी। इसने एक एच पॉजिटिव को छोड़ा तो इसकी एसिडिटी क्या होगी बच्चों, वन होगी, ठीक है। ये बहुत सिंपल चीजें चल रही है, किसी बच्चे को बहुत बोरियत महसूस हो रही है, जिसको केमिस्ट्री बहुत अच्छे से आती है तो वो 2x की स्पीड पे देखो, लेकिन आगे बहुत ऐसी चीजें आएंगी जो बिल्कुल पढ़ी हुई नहीं होगी, ठीक है, कन्फर्म है मुझे, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोगों ने क्या पढ़ रखा है। जो इन दोनों की है ना, मुझे एसिडिटी बतानी है क्या होगी, ठीक है, दोनों की क्या बतानी, मुझे एसिडिटी बतानी है क्या होगी। हाँ, एसिडिटी नहीं, बेसिसिटी बताओगे इन दोनों की, क्यों, क्योंकि ये क्या है, दोनों एसिड हैं, ये दोनों क्या बच्चों, एसिड हैं, ठीक है, तो इन दोनों की क्या बताओगे, बेसिसिटी। अब देखो बच्चों इनमें क्या गलती होती है, जैसे मेरे पास ये है तो मुझे पता चल गया 3H+ आयन को छोड़ देगा यहां से, और इसकी बेसिसिटी होगी, बेसिसिटी होगी वो 3 होगी, ठीक है, ये बात बिल्कुल करेक्ट है, ये 3 को छोड़ देगा। पहले तो यहां से देख लेंगे कि 3 से 3 को छोड़ देगा, लेकिन यहां से देखोगे तो यहां भी, यहां वाला भी 3 को छोड़ेगा, मतलब इसका मतलब हमें स्ट्रक्चर आनी चाहिए। इसकी बेसिसिटी अगर मैं आपसे पूछूं, इसकी बेसिसिटी होती बच्चों 2, ठीक है, क्यों, देखो इससे कभी पता नहीं चलता कि बेसिसिटी क्या है, पता किससे चलता है, जो इसकी जो स्ट्रक्चर है, इसके अंदर ये कितने OH प्रेजेंट है, ये H वाला नहीं छोड़ेगा, ये OH वाला छोड़ेगा, क्यों, जब ये पानी के कांटेक्ट में आएगा तो ऑक्सीजन एक डाइपोल मोमेंट कर लेती पानी के साथ, अलग से बॉन्ड बना लेती पानी के साथ, और ये H को छोड़ देती है, ठीक है। तो इसकी बेसिसिटी यहाँ पे कितनी है, यहाँ पे कितने दो, कितने OH है, 2, यहाँ पे कितने OH है, 3, तो इसकी बेसिसिटी 3 होती है, इसकी बेसिसिटी 2 होती है, ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है यहाँ पे। अब हम नेक्स्ट करते हैं, जो नेक्स्ट कंसेप्ट हमारे पास ब्रोंस्टेड लोवरी कंसेप्ट, ब्रोंस्टेड लोवरी कंसेप्ट। इसने क्या बताया था बच्चों, कि जो एसिड होता है ना, एसिड क्या होता है, जो एच पॉजिटिव को डोनेट कर दे, एसिड क्या होगा, सिंपल एच पॉजिटिव को डोनेट कर दे। देखो आरिन इसने भी यही बताया था, एसिड वो होगा जो सॉल्वेंट के अंदर एच पॉजिटिव आयन को डोनेट कर दे, सॉल्वेंट कौन सा था, वाटर, ठीक है, ये भी यही बात कर रहा है, लेकिन उसने ये बताया था जो बेस होता है वो होता है जो OH नेगेटिव को छोड़े, सॉल्वेंट के अंदर OH नेगेटिव को छोड़ दे, लेकिन ये बोल रहा है जो बेस होता है, इसने जो एच पॉजिटिव छोड़ा, बेस क्या करेगा, एक्सेप्ट कर लेगा एच पॉजिटिव को, वो क्या होता है, बेस होता है, एसिड होता है एच पॉजिटिव को छोड़ देता है, बेस होता है वो एच पॉजिटिव को एक्सेप्ट कर लेता है, ठीक है। ये एसिड बेस किसकी क्या थी, डेफिनेशन थी, डेफिनेशन बेस पूछ सकता है यहाँ से कि ब्रोंस्टेड ने क्या बोला, लेविस ने क्या बोला, या फिर आरिनिस ने क्या बोला, ठीक है। अब मुझे इसमें से ये बताना है कि एसिड कौन है, बेस कौन है, ठीक है। देखो अमोनिया था, अमोनिया ने HCl के साथ रिएक्शन की, मुझे सिंपल ये दे रखी है, और इसमें मुझे क्या निकालना, देखो ये चीज समझ में आ गई, ठीक है, हटा देती हूँ इसको। सबसे पहले तो मुझे बताओगे एसिड, दूसरा बताओगे बेस, ठीक है, और तीसरा बताओगे कॉन्जुगेट एसिड, कॉन्जुगेट एसिड, कॉन्जुगेट बेस, ये चार चीज इस इन सब में से बताओगे, ठीक है। इसमें देखो एसिड कौन है जो एच पॉजिटिव को छोड़ दे, इसमें से एच पॉजिटिव को HCl ने एच पॉजिटिव को छोड़कर क्या बना दिया, Cl नेगेटिव, Cl नेगेटिव, इसका मतलब एसिड कौन हमारा, HCl, एसिड कौन हमारा, HCl। बेस कौन है जिसने एच पॉजिटिव को ले लिया, यहां से अमोनिया ने लिया, देखो इतना तो ये तो दिख ही रहा है कि इसने लिया, इसने छोड़ दिया, तो इसने क्या किया, इसने छोड़ दिया और इसने ले लिया, तो NH3 क्या हमारा बेस है, NH3 क्या हमारा बेस है, ये बात समझ में आ गई। अब ये कॉन्जुगेट एसिड क्या होता है, कॉन्जुगेट एसिड क्या होता है, कि कॉन्जुगेट एसिड ये होता है, जैसे देखो ये हमारा बेस था, ये हमारा बेस था, बेस किस में कन्वर्ट हो गया, इसके अंदर कन्वर्ट हो गया, ठीक है, बेस किस में कन्वर्ट हो गया, इसमें कन्वर्ट हो गया। अब ये क्या है, ये इसका बेस का कॉन्जुगेट एसिड है,
बेस का क्या है, कॉन्जुगेट एसिड है, ठीक है। तो कॉन्जुगेट एसिड क्या है, NH4 पॉजिटिव। कॉन्जुगेट एसिड क्या है, NH4 पॉजिटिव, ठीक है। ये हमारा एसिड था, एसिड ने क्या बना दिया, Cl नेगेटिव। तो ये इसका क्या है, कॉन्जुगेट बेस, ठीक है। मतलब क्या, कॉन्जुगेट बेस क्यों है, क्योंकि ये चाहता कि मैं एच पॉजिटिव को ले लूं, ये चाहता है मैं एच पॉजिटिव को ले लूं, और जो एच पॉजिटिव को एक्सेप्ट करे वो क्या होते हैं, बेस होते हैं, ठीक है। वो क्या होते हैं, बेस। ये चाहता है कि मुझे मिल जाए एच पॉजिटिव और मैं स्टेबल हो जाऊं, ठीक है। ये चाहता है मैं छोड़ दूं एच पॉजिटिव को, छोड़ेगा तो क्या होगा, एसिड होगा। तो कौन सा एसिड है, कॉन्जुगेट एसिड। ये कौन सा है, कॉन्जुगेट बेस क्या है, Cl नेगेटिव, ठीक है। तो ये हमारा, ये चारों में से कुछ भी पूछ सकता है यहाँ से, ठीक है। इन चारों में से यहाँ से कुछ भी पूछ सकता है। अब हमारी जो सेकंड वाली देख लेते हैं, देखो ये हटा दूं यहाँ से, आ गया होगा समझ में। अब देखो बच्चों, Cl पॉजिटिव है, H2CO3 है, ठीक है। Cl पॉजिटिव है, इसने क्या किया, Cl पॉजिटिव तो नहीं होगा, Cl नेगेटिव होगा, Cl नेगेटिव, Cl नेगेटिव। इसने क्या किया, H2CO3 से क्या किया, एक हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करके HCl बना दिया। इसने हाइड्रोजन को एक्सेप्ट किया है, इसका मतलब ये क्या है, अगर ये हाइड्रोजन को ले रहा है तो इसका मतलब ये क्या, बेस है, बेस हमारा Cl नेगेटिव, समझ में आ गया। इसने एच पॉजिटिव को छोड़ा है, इसका मतलब ये क्या हमारा एसिड है, H2CO3, ठीक है। तो अब ये बताओ मुझे, कॉन्जुगेट एसिड क्या होता है, ये हमारा बेस है, बेस का ये जो बना है ये क्या हमारा कॉन्जुगेट एसिड है, बेस का ये क्या है, कॉन्जुगेट एसिड है। क्यों, क्योंकि एच पॉजिटिव को फिर से छोड़ पाएगा, छोड़ सकता है ये एच पॉजिटिव को, तो ये हमारा क्या, कॉन्जुगेट एसिड। और ये जो हमारा एसिड था, इसका जो ये सॉल्ट बना है, ये क्या हमारा कॉन्जुगेट बेस है, ये क्या बच्चों हमारा कॉन्जुगेट बेस है, HCO3, ठीक है। और जो ये बची हुई रिएक्शन है, ये आप करके दिखाओगे मुझे, ठीक है, ये आप करके दिखाओगे मुझे, ओके। अब देखो यहाँ पे देखो, चलो मैं बता ही देती हूँ, फिर कहीं ऐसे ना हो। देखो HSO4 है, NH3 है, इसकी रिएक्शन इसके साथ करवाई, इसने क्या किया, NH3 से हाइड्रोजन एक्सेप्ट कर लिया, NH3 से हाइड्रोजन ले लिया, तो इसका मतलब ये क्या है, एसिड है, सॉरी बेस है, ले लिया तो इसने छोड़ दिया, ये क्या एसिड है, और इसने छोड़ दिया है, तो ये तो आप समझ जाओगे। देखो यहां पर मैं क्या बताना चाहती थी कि जो इसलिए बोल, इसलिए मैंने करवाई है, वरना तो छोड़ देती इसको। NH3 है बच्चों, NH3 चेंज कर लेते हैं, NH3 है, जरूरी नहीं है NH3 सिर्फ बेस हो, बेस के जैसे एक्ट करे, जरूरी नहीं है NH3 बेस के जैसे एक्ट करे, मतलब ये बेस हो, बेस है, लेकिन ये हर टाइम बेस के जैसे एक्ट करे जरूरी नहीं। क्यों, अगर इसके सामने कोई इससे वीक बेस है तो ये स्ट्रॉन्ग बेस बन जाएगा, तो ये बेस के जैसे एक्ट करेगा, लेकिन अगर इसके सामने कोई सामने वाला स्ट्रॉन्ग बेस आ जाए, इससे स्ट्रॉन्ग बेस आ जाए, तो ये एसिड के जैसे रिएक्ट करने लग जाता है। देखो एक चोर है, ठीक है, एक चोर है जो किस, जो अपने से वीक आदमी से चोरी कर लेता है, ठीक है, एक चोर है, ये चोर है अपने से वीक से चोरी कर लेता है, ये बेस है चोर, वो एसिड हो गया। फिर इससे अगर कोई चोरी कर ले, इससे भी अगर चोरी कर ले तो वो तो इससे भी बड़ा चोर हो गया, ठीक है। तो उस टाइम ये क्या बन जाएगा, एसिड बन जाएगा, और वो क्या बन जाएगा, बेस हो जाएगा। तो सिंपल, ये जरूरी नहीं कि हर टाइम इसे स्ट्रॉन्ग अगर बेस है तो ये एसिड के जैसे एक्ट करेगा, तो यहां पर ये एसिड के जैसे एक्ट कर रहा है, ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब देखो लेविस कंसेप्ट क्या, हमारा लेविस कंसेप्ट क्या है, एसिड है क्या है, जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर दे। एसिड क्या होते हैं बच्चों, जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर दे, और बेस क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर ले। अब देखो क्या होते हैं, जैसे देखो इलेक्ट्रॉन पेयर क्या होते हैं, जैसे NH3 है, उसके पास दो लोन पेयर होते हैं, H2 है, उसके पास भी दो लोन पेयर होते हैं, ठीक है। अगर ये इन दो, इनको डोनेट कर दे, इनको डोनेट कर दे, तो ये क्या बन जाएंगे, बेस, ये क्या बन जाएंगे, बेस। लेकिन कोई ऐसा जो इनको एक्सेप्ट कर ले तो वो क्या हो जाएगा, एसिड, ठीक है। अब हमें ये पूछना है मुझे कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि लेविस एसिड बताओ कौन है, लेविस बेस बताओ, सीधा ये पूछेगा, BBr3 लेविस एसिड है, लेविस बेस है, तो आप क्या बताओ, यस कुछ और दे दे, ठीक है। तो ये क्या है, लेविस बेस, क्यों, देखो इसको समझ लेते हैं। तो लेविस एसिड क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करे, और लेविस बेस क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करे,
नहीं, को एक्सेप्ट करे, एक्सेप्ट करे, डोनेट करे, ठीक है। देखो बच्चों, जिसके पास कुछ होगा तभी तो डोनेट करेगा, ठीक है, गलत लिखा गया था, चलो कोई नहीं। एसिड क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करे, बेस क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर दे, ठीक है। अब जैसे देखो, मेरे कोई जो जो कोई एक्सेप्ट कर रहा है, एक्सेप्ट कौन कर सकता है, या तो पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज कर सकती है, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो, जिसका वैकेंट खाली ऑर्बिटल हो तो वो एक्सेप्ट कर सकता है, जैसे एच पॉजिटिव, सी एल पॉजिटिव, एनओ पॉजिटिव, पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज कर सकती है, या फिर जिसपे एक एट इलेक्ट्रॉन ना हो, जैसे बोरोन है, फ्लोरीन ने बॉन्ड बना लिया इसके पास, ठीक है, इसके वैलेंस सेल के अंदर सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट थे, इसके वैलेंस में सिर्फ 3 ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट थे, इसने तीनों से बॉन्ड बना लिया, ठीक है। टोटल अगर मैं इस पे इलेक्ट्रॉन पूछूं तो क्या ये 8 ऑक्टेट को कंप्लीट कर रहा है, 2 4 6 6 नहीं कंप्लीट कर रहा ऑक्टेट को, ठीक है। इसको रिक्वायरमेंट है, इसको रिक्वायरमेंट है कि इसका जैसे 2p खाली होता है, ये चाहता है कि कोई मुझे इलेक्ट्रॉन दे दे, ये 6 2p को भी छोड़ो, अगर नहीं समझ में आ रहा तो कोई बात नहीं, इसके पास ये तो पता है 2 4 और 6 6 इलेक्ट्रॉन है, इसको 2 चाहिए, इसको 2 चाहिए, ये तो पता है, तो 2 इसको मानो NS3 है, उसके पास एक लोन पेयर है, वो इसको डोनेट कर दे, वो इसको डोनेट करे, तो ये कौन सा बॉन्ड होता है बच्चों, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कि सिर्फ ये दे रहा है, ठीक है, मानो ये बॉन्ड है तो ये है कोवलेंट बॉन्ड, कि दोनों की शेयरिंग है, ये सिर्फ दे रहा है इसको, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू दे रहा है, तो ये देने वाला होता है लेविस बेस, और ये लेने वाला होता है लेविस एसिड, ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। तो लेविस एसिड कौन, जिसका सेंट्रल मेटल है वो 8 इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट नहीं कर रहा, AlCl3bC में आता है, बोरोन फैमिली मेनली, तो ठीक है, बोरोन फैमिली है जो 8 इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट नहीं करती, क्योंकि वैलेंस सेल के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वे बॉन्ड बनाएंगी तो ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं कर पाएंगी, 6 इलेक्ट्रॉन बनेंगे उनके, ठीक है। लेविस बेस कौन से होते हैं बच्चों, जो क्या करे, या तो नेगेटिव चार्ज स्पीसीज, या फिर लोन पेयर, या तो जिसके पास नेगेटिव चार्ज हो तभी डोनेट कर पाएगा, या फिर जिसके पास लोन पेयर हो तब डोनेट कर पाएगा, ठीक है। अब जो हमारे पास एसिड होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, ठीक है, ऐसे तो देखो एसिड ये भी होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक बेस, स्ट्रॉन्ग बेस, ये तो हम करेंगे अलग से, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, एसिड भी 2 टाइप के होते हैं, ऑर्गेनिक एसिड और इनऑर्गेनिक एसिड, ऑर्गेनिक एसिड और इनऑर्गेनिक एसिड, इनऑर्गेनिक एसिड को मिनरल एसिड भी बोलते हैं, ठीक है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे हमसे दे देगा लैक्टिक एसिड है, ऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक है, हमें सुना ही नहीं, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, दोज एसिड विच आर ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स या प्लांट्स, जो हमें एनिमल्स या प्लांट्स से जो मिलते हैं वो क्या होते हैं, ऑर्गेनिक एसिड। जैसे मैलिक एसिड है, मैलिक एसिड किसके अंदर होता है, एप्पल के अंदर, ठीक है, मैलिक एसिड किसमें होता है, एप्पल में। लैक्टिक एसिड है, कर्ड, ठीक है, ये तो सबने बचपन से ही सुना है, दूध को दही में कौन बदलता है, लैक्टिक एसिड बदलता है, ठीक है। तो ये होते हैं हमारे ऑर्गेनिक एसिड, ये होते हैं बच्चों हमारे ऑर्गेनिक एसिड। इनऑर्गेनिक एसिड कौन सा होता है, दोज एसिड विच आर ऑब्टेन फ्रॉम मिनरल्स, जो मिनरल्स से ऑब्टेन होते हैं, मिनरल्स ऑफ द अर्थ आर कॉल्ड मिनरल्स एसिड, जो हमारे हम यूज करते हैं सारे मिनरल्स ही यूज कर रहे हैं, ठीक है, मिनरल्स ही हम सारे यूज कर रहे हैं, HCl को, H2SO4 को, HNO3 को, H2CO3 को, तो ये क्या है, मिनरल्स को ही हम यूज कर रहे हैं। तो ये हमारे ऑर्गेनिक एसिड है, ये हमारे इनऑर्गेनिक एसिड है, ये ऑर्गेनिक एसिड है, ये इनऑर्गेनिक एसिड है। हाँ देखो बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास पीएच, पीएच मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, पीएच का, ठीक है, नेक्स्ट है पीएच। देखो पीएच क्या होता है, पीएच क्या होता है, नेगेटिव लॉग ऑफ एच पॉजिटिव आयन कंसेंट्रेशन, नेगेटिव लॉग ऑफ एच पॉजिटिव आयन कंसेंट्रेशन क्या होता है हमारा, पीएच, ठीक है। मानो किसी ने एच पॉजिटिव छोड़ा, एसिड ने क्या छोड़ दिया, एच पॉजिटिव छोड़ दिया, ठीक है, उसके पास जो पीएच निकालेंगे तो वहां पर कितने मतलब कितने मोल उसने छोड़ा तो उसको रखेंगे तो उसकी क्या निकलाएगी, पीएच, अभी अच्छे से समझाऊंगी, ठीक है। तो इसको देखो एक बार, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इस फॉर्मूले को, जो पीएच है उसको क्या लिख सकती हूँ मैं, ये पावर कहाँ चली जाएगी, लॉग में, ऊपर चली जाएगी, तो क्या बोलते हैं इसको, लॉग एच पॉजिटिव माइनस, ठीक है, क्योंकि ऊपर चली गई तो पीएच किसके इक्वल आ गई, अगर इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, 1 ओवर H पॉजिटिव। तो हमारे पास एक पीएच का फॉर्मूला ये है और एक पीएच का फॉर्मूला ये है जो हम यूज करते हैं, ठीक है, पीएच को हम ऐसे निकालते हैं। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि पीएच है, देखो दो क्वेश्चन पूछती हूँ मैं यहाँ से, पीएच है किसी की 10 की, जो एच पॉजिटिव पीएच निकालनी है हमें,
पीएच को निकालो यहाँ से, एच पॉजिटिव आयन कंसेंट्रेशन दे रखी 10^-3, ठीक है, और दूसरे की दे रखी है एच पॉजिटिव के आयन कंसेंट्रेशन 10^-4, इन दोनों के मुझे पीएच चाहिए, पीएच बताओ किसकी ज्यादा। पीएच से हम क्या निकाल सकते हैं बच्चों, देखो यहाँ से मैं पीएच निकाल दूंगी, ठीक है, मुझे उससे क्या फायदा होगा, मुझे उससे ये फायदा होगा, मुझे ये पता चल जाएगा कि ये एसिड है, बेस है या फिर साल्ट है। कैसे? अब देखो एक पीएच स्केल होता है, एक पीएच स्केल होता है जहां से हम पीएच को देखते हैं, ये 0 से 14 तक, ठीक है। अगर ये होता है 7 बीच में, देखो बच्चों ये होता है न्यूट्रल पॉइंट, न्यूट्रल जहां पर कोई कोई जो कंपाउंड है ना एसिड होता है ना बेस होता है, वो क्या होता है न्यूट्रल। अगर इससे इस साइड आ गई कम की साइड तो ये होता है एसिड, ठीक है, अगर इससे इस साइड चले गए ये होता है बेस, ठीक है, तो ये क्या पीएच है, पीएच है, ये पीएच हमें क्या बताएगी कि वो एसिड है, बेस है या फिर सॉल्ट है, ठीक है, पीएच हमें क्या बताएगी एसिड है, बेस है या फिर साल्ट है। अगर मैं मुझे इन दोनों की पीएच निकालनी है तो मैं क्या करूंगी, पीएच इज इक्वल टू -log 10^-3 ऐसे रख दूंगी एच पॉजिटिव आयन कंसेंट्रेशन की जगह पे ये वैल्यू, ठीक है। तो अगर मैं इसको सोल्व करूंगी बच्चों, इसको सोल्व करूंगी तो ये आगे आएगा, लॉग में ये आगे आता है तो ये क्या हो जाएगा -3 आगे आ जाएगा, और एक माइनस तो था ही log 10, ठीक है, log 10। और आपको पता होना चाहिए, बीएससी भी की है, कई तो मास्टर्स भी हैं, log 10 तो 1 होता है, ये तो पता ही होगा सबको, log 10 1 होता और माइनस माइनस प्लस हो जाता तो यहाँ से पीएच आ जाती 3, यहाँ से पीएच कितनी आ गई 3, ठीक है। तो इसी प्रकार मैं इसी को रखूंगी यहाँ पे, पीएच किसके है इक्वल है -log 10^-4, ठीक है, माइनस आगे आ जाएगा, माइनस पहले ही था, एक माइनस और आगे आ गया, log 10 और कितना हो गया 4, यानी कि इसकी पीएच 4 है, इसकी पीएच 3 है। अब मैं इसमें से ये पूछूं आपसे, मैंने पहले एक कंसेंट्रेशन दे दी और मैं ये पूछूं आपसे कौन ज्यादा एसिडिक है, कौन ज्यादा एसिडिक है बच्चों, जिसकी पीएच कम है, जिसकी पीएच कम है वो क्या है इनमें से, अगर मैं एसिडिक पूछूं तो पीएच जिसकी कम है वो क्या है एसिडिक है, पीएच जिसकी कम है वो क्या है एसिडिक है, ठीक है। यहां से देखो क्वेश्चन क्या बनेगा हमारा एसिड बेस का, एच पॉजिटिव आयन कंसेंट्रेशन जिसकी ज्यादा होगी, ये जिसकी ज्यादा, ठीक है, पीएच उसकी उतनी ही कम होगी, पीएच उसकी उतनी कम होगी, जिसकी एच पॉजिटिव आयन कंसेंट्रेशन ज्यादा है पीएच उतनी कम है, इसका मतलब ये क्या है एसिडिक है, एसिडिक है, ठीक है। यानी कि देख पीएच स्केल देखो, इस साइड कम ही था एसिड है, ये पीएच कम है एसिड है, एच पॉजिटिव जितना ज्यादा देगा वो क्या होगा एसिड होगा, सिंपलीफाई एक ही लाइन में कर दिया। जिसकी एच पॉजिटिव कंसेंट्रेशन कम है, जो एच पॉजिटिव को कम छोड़ना चाहता है वो क्या, उसकी पीएच क्या होगी ज्यादा होगी, और वो क्या होगा बेसिक, वो क्या होगा बच्चों बेसिक होगा, वो क्या होगा बेसिक मानो या फिर लेस एसिडिक मानो, ठीक है। तो ये क्या हमारे पास मतलब बेसिक मतलब या लेस एसिडिक मान सकते हो, ठीक है। तो ये क्या हमारे पास पीएच का डाटा है, ये क्या बच्चों हमारे पास पीएच का डाटा। अब एक क्वेश्चन है बच्चों, क्या है पीएच ऑफ सब्सटेंस है इंक्रीज होगी 3 से 5 तक, पीएच क्या होगी इंक्रीज होगी, देन फाइंड परसेंटेज इंक्रीज इन पीएच, तो परसेंटेज के अंदर पीएच कितनी इंक्रीज होगी। देखो इंक्रीज कितनी होगी 3 से 5 होगी, यानी कि इंक्रीज कितनी हुई 2 इंक्रीज हुई, कितने पर इंक्रीज हुई 3 के ऊपर इंटू 100, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या हमारा 200/3, ये हमारा क्या है परसेंटेज इंक्रीज इन पीएच, इतने परसेंट ये क्या हो गई इंक्रीज होगी, इतने परसेंट क्या होगी इंक्रीज। देखो 2 का डिफरेंस है, 2 इंक्रीज हुई, कितने पर इंक्रीज हुई 3 पे इंक्रीज हुई इंटू 100, ठीक है। अब सेकंड देखो हमारे पास क्या है परसेंटेज इंक्रीज और परसेंटेज डिक्रीज, कितनी परसेंटेज इंक्रीज या फिर परसेंटेज डिक्रीज हुई एच पॉजिटिव आयन कंसेंट्रेशन में, एच पॉजिटिव आयन कंसेंट्रेशन बतानी। देखो बच्चों यहां से देखो एक बार मैं इसको रफ कर देती हूँ, ठीक है, क्योंकि बड़ा क्वेश्चन थोड़ा, एच पॉजिटिव आयन कंसेंट्रेशन में बताना मुझे। अब आप मुझे ये बताओ अगर मुझे पीएच इसकी दे रखी है 2, पीएच दे रखी 3, सॉरी पीएच मुझे दे रखी 3, तो मैं यहाँ से एच पॉजिटिव आयन कंसेंट्रेशन निकाल सकती हूँ। पीएच किसके इक्वल है -log of H+ आयन कंसेंट्रेशन के इक्वल है, ठीक है, -log of H+ आयन। अगर मैं यहाँ पर देखो अभी मैंने क्या किया था log 10^-3, अगर मैं कंसेंट्रेशन यहाँ पे रखूँ तो 3 आ गया था मेरा, इसका मतलब मेरी एच पॉजिटिव की जो कंसेंट्रेशन है वो कितनी 10^-3 है, यहाँ पे क्या आ गया 10^-3। देखो
पिछले क्वेश्चन में मुझे एच पॉजिटिव की कंसेंट्रेशन दे रखी थी 10^-3, उससे मैंने पीएच निकाल दी 3, ठीक है। तो मैं पीएच से भी तो एच पॉजिटिव का एन कंसेंट्रेशन निकाल सकती हूँ। यहाँ पे अगर मैं ये रखू तो मुझे ये मिल रहा है, तो इसका मतलब ये क्या है, एच पॉजिटिव की कंसेंट्रेशन है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, 10^-3 एच पॉजिटिव की दूसरी क्या आ जाएगी, एच पॉजिटिव कंसेंट्रेशन 10^-5। इसी तरीके से समझ में आ गई, पहले इतनी थी कंसेंट्रेशन, कितनी होगी 10^-5 होगी। परसेंटेज चेंज बताना है मुझे, परसेंटेज चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ एच पॉजिटिव आयन, परसेंटेज चेंज कितना होगा, माइनस डेल एच कितना चेंज हुआ दोनों में टोटल, ठीक है, इनटू 100, इतना क्या होगा परसेंटेज चेंज, जो पहले इनिशियल इतना था, डेल एल इंटू 100, ठीक है। ये क्या है बच्चों, परसेंटेज चेंज। अब देखो डेल एच अगर मैं निकालूं, डेल एच वो किसके इक्वल होगा, डेल एच मैं निकालूं तो किसके इक्वल होगा, कितना चेंज हुआ 10^-5 में से 10^-3 अगर चला जाए तो ये क्या है, डेल एच हो गया। ये तो समझ में आ गया, ये क्या होगा डेल एच। तो यहां से मैं 10^-3 ले लिया मैंने कॉमन, तो यहां से क्या आ गया 10^-2, पावर एड हो जाती है, ठीक है, 2, और यहाँ पे क्या आ गया 1, ठीक है। यहाँ पे क्या आ गया बच्चों 1, तो ये हमारा क्या है, यहाँ से देखो सोल्व करो, 10^-3 कॉमन आ सकता है, यहाँ पे 10^-3 आ गया, तो यहाँ पे क्या आएगा 10^-2-1, ठीक है। अब देखो 10^-3 1/100-1, ठीक है, इसको नीचे ले गई 1/100-1, 10^-3 ये क्या आ जाएगा 99/100, ठीक है, माइनस चल रहा था साथ में, माइनस को स्किप मत करना, 99/100 वो भी माइनस का, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा डेल एच, ये अभी डेल एच निकाला है, डेल एच आ गया 10^-3 इंटू 99/100। ये बात समझ में आ गई या नहीं आई, देखो डेल एच किसके इक्वल है, जितनी कंसंट्रेशन चेंज हुई, फाइनल माइनस इनिशियल, चेंज तो तभी निकालेंगे फाइनल माइनस इनिशियल, मैंने क्या किया इसमें से ये माइनस कर दिया। अब ये तो है नहीं कि इसमें से मैं ये सीधा ये लिख दूंगी 10^-2, इतनी तो कॉमन सेंस है, ये चीज अलग अलग है, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास कॉमन क्या आ गया 10^-3, यहाँ पे क्या बच गया 10^-2, ये क्या आ गया 1 आ गया, यहाँ से मैंने इसको सोल्व किया तो ये मेरे पास क्या है डेल एच, ठीक है, ये मेरे पास क्या है डेल एच। अब इसको डेल एच इंटू एच, डेल एच इंटू एच वो भी इनिशियल, चेंज कैसे निकालेंगे, इनिशियल कितना चेंज हुआ इनिशियल में से और इंटू 100, इंटू 100 ऐसे ही निकालेंगे, तो यहाँ पर एच कितना 10^-3 इंटू 100, ठीक है। तो यहाँ से ये कट हो गया, यहाँ से ये कट हो गया, 99% चेंज हो गई एच पॉजिटिव आयन की कंसेंट्रेशन, मतलब 99% इंक्रीज हो गई, क्या हो गई बच्चों 99% इंक्रीज हो गई, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पीएच का था, अच्छे से पढ़ लिया, देख लिया, ठीक है, समझ लिया इसको, ओके। अब देखो देखो बच्चों एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, जो पीएच है एचसीएल की पीएच कितनी होती है 0, एचसीएल की क्यों, क्योंकि जो एचसीएल है ना बच्चों बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, ये कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है एच पॉजिटिव प्लस सीएल नेगेटिव में, ठीक है। जो हमारा ये जो मापते हैं पीएच को, यहाँ पर 7, 14 और ये क्या 0, तो एसिड बिल्कुल यहाँ पर है, बिल्कुल एसिडिक होता है। उसके बाद भी हमारे स्टमक के अंदर एसिड होता है, पता है सबको, स्टमक के अंदर एसिड होता है और हमें कई बार एसिडिटी भी हो जाती है, बहुत ज्यादा एसिडिटी हो जाती है, तो उसके लिए हम क्या लेते हैं, बेस लेते हैं। एक तो देखो स्टमक के अंदर एसिड होता है उसको है ना कौन, जो स्टमक की वॉल है ना, जो हमारी स्टमक की वॉल वो होती है बेसिक, ठीक है, जो उसको मतलब बैलेंस रखती है, जो चीजों को क्या रखती है, बैलेंस रखती है, स्टमक की वॉल होती है बेसिक। एक कई बार क्या होता है कि जो हम क्वेश्चन ये पूछा जाता है केमिस्ट्री के अंदर, बायो में तो मैं सारा स्टमक करवा चुकी कि इसको कौन कौन बचाता है। अब देखो केमिस्ट्री में क्वेश्चन ये पूछा जाता है जो पीएच है एचसीएल वो बहुत ज्यादा एसिडिक है हमारे स्टमक में, तो एसिडिटी जब वो प्रोड्यूस करता है, मतलब एसिडिक हो जाता है जब हमारा पेट, तब हम क्या लेते हैं, तो हम बच्चों एक बेस लेते हैं जो एंटा एसिड होता है, मतलब एसिडिटी का इलाज होता है, क्या लेते हैं हम बेस लेते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, क्या लेते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ठीक है, वो क्या होता है बेस होता है। अब देखो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की जो पीएच होती है वो कितनी होती है 10, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की जो पीएच होती है वो कितनी होती है बच्चों 10, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की जो पीएच होती है वो कितनी होती है 10, ठीक है।
मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की पीस कितनी होती है? 10। ये इसको क्या कर देती है? एसिडिक बना देती है, मतलब ये दोनों मिल जाएंगे, एसिड और बेस दोनों मिल जाएंगे और थोड़ा न्यूट्रल हो जाएगा, ठीक है, न्यूट्रल हो जाएगा। पीएच ऑफ गैस्ट्रिक जूस एज इट इज याद रखनी 1.2 होती है। लेमन जूस की पीएच कितनी होती है? 2.2 होती है। लेमन जूस जो पीते हैं उसकी पीएच कितनी होती है? 2.2। पीएच ऑफ माउथ, देखो अब जो हमारा मुंह है उसके अंदर पीएच होती है 5.5, ठीक है, जो हमारा मुंह है माउथ है ठीक है उसके अंदर पीएच कितनी होती है? 5.5। अगर पीएच इससे कम हो जाए, अगर हमारे जो दांतों के पीएच इससे कम हो जाए, दांतों में कैल्शियम क्या होता है? कैल्शियम फॉस्फेट होता है जो बहुत हार्ड होता है, ठीक है, ये क्या होता है? सबसे हार्डेस्ट होता है। ये तो सब कुछ करवा चुकी हूँ मैं बायो में, तो इसमें देखो इसमें हमें क्या पढ़ना है, जो पीएच इसकी कम होती है, 5.5 से कम होती है पीएच इसकी, तो इसके अंदर बच्चों जब इसकी पीएच 5.5 से कम हो जाए तब क्या होता है? टूथ डीके स्टार्ट हो जाता है। मतलब क्या है कि दांतों का गिरना स्टार्ट हो जाता है। जैसे हमने खाना खाया, ठीक है, और हमने खाना खाया और ना ब्रश किया ना कुछ और किया, तो दांतों में है ना जो बैक्टीरिया है उससे वो क्या कर देते हैं? एसिडिटी बना देते हैं, पीएच को कम कर देते हैं। उस कमी को, मतलब वो जो कम करते हैं उसके लिए हम क्या करते हैं? टूथपेस्ट यूज करते हैं। टूथपेस्ट हमारी हमेशा बेसिक होती है। देखो टूथपेस्ट उसकी पीएच 8 होती है, तो हम जो टूथपेस्ट करते हैं एसिड को और बेस है आपस में मिलकर न्यूट्रल हो जाते हैं, ठीक है, तो टूथपेस्ट क्या होती है? बेसिक होती है। टूथपेस्ट क्या होती है बच्चों? बेसिक होती है। ये एवरीडे लाइफ के यूजेस हैं। पीएच इन जो पीएच है वो एवरीडे लाइफ में कैसे यूज हो रही है उसके यूजेस हैं ये, ठीक है, तो ये टूथपेस्ट को यूज करते हैं। एक दूसरा टूथपेस्ट को और कहाँ यूज करते हैं? किस कई बार जो मधुमक्खी काट जाती है हमें, ठीक है, और वो एसिड को छोड़ देती है, मधुमक्खी काट जाती है एसिड को छोड़ देती है, वहां पर जब वो एसिड को छोड़ेगी तो हम टूथपेस्ट लगाते हैं। क्यों? क्योंकि उसने एसिड को छोड़ दिया तो हमें क्या है उसको क्या करना है? उसकी एसिडिटी को खत्म करना है, तो यहाँ पे हम टूथपेस्ट को लगा लेते हैं, उसी टाइम हमारा दर्द है वो कम हो जाता है, तो इसलिए मतलब इसको लगाते हैं, ठीक है। पीएच ऑफ एसिड रेन कितनी होती है? 5.6। एसिड रेन, एसिड रेन मैं करवाऊंगी अभी नेक्स्ट वीडियो में, एसिड रेन बताऊंगी कि सारा होता क्या है, बस थोड़ा ये समझो। देखो एसिड रेन क्या होती है? अम्लीय वर्षा, जिसके अंदर एसिड एसिड की वर्षा होती है, मतलब गैसेज होती है जो एसिड क्रिएट करती है उसकी वर्षा होती है। देखो बच्चों इसकी पीएच होती है 5.6। एक तो ये बात याद रखनी, दूसरी ये बात याद रखनी, जो एसिड रेन से एक्वेटिक जीव है, जो पानी के अंदर जो जीव रहते हैं उनका जीना मुश्किल हो जाता है जब एसिड रेन होती है। क्यों? जो पानी में वे रहते हैं तो पानी की जो पीएच होती है, डिस्टिल वाटर की पीएच होती है 7, लेकिन जिस पानी में वो रहते हैं, और डिस्टिल वाटर तो होगा नहीं, जाहिर सी बात है हम छोड़ते भी नहीं, हम तो छोड़ेंगे ही नहीं डिस्टिल वाटर को, तो उसकी पीएच 7 से 7.8 तक हो जाती है। इस पानी के अंदर उनको रहने की आदत है, ठीक है, एक्वेटिक जीव को। जब ये एसिड रेन होगी, यहाँ पर पानी के अंदर एसिड रेन होगी, तो क्या हो जाएगा? ये एसिड इस, ये देखो ये थोड़ा बेसिक टाइप हो गया, बेसिक है ये, और ये एसिड, ठीक है, एसिड में बेस मिल जाएगा तो ये इसकी बेसिसिटी बेसिक को कम कर देगा, ये इसके बेसिक को कम कर देगा, और जो एक्वेटिक जीव हैं, जो पानी के अंदर जलीय जीव हैं, वे बेचारे मुश्किल से सांस ले पाते हैं, ठीक है, वो इस इन्वायरमेंट में रहते हैं, ये उसको एसिडिक बना देता है, एसिडिक बनाने से उनको जीवन को खतरा हो जाता है, ठीक है। तो ये डेली लाइफ के यूजेस है, पूछ सकता है यहाँ से, कन्फर्म पूछ सकता है यहाँ से। पीएच ऑफ डिस्टिल्ड वाटर, बिल्कुल डिस्टिल्ड वाटर है, ना ही एसिड है ना ही बेस है, 7 होगी। ब्लड की पीएच पूछी जा चुकी है बहुत टाइम, 7.4 होती है, ब्लड एक बेसिक होता है, ठीक है। पीएच ऑफ NaOH-14, जैसे हमारा स्ट्रॉन्ग HCl होता है वैसे ही हमारा स्ट्रॉन्ग बेस होता है जिसकी पीएच सबसे ज्यादा होती है 14, ठीक है। एक छोटा सा कंसेप्ट और बता देती हूँ, जैसे देखो पीएच निकाली हमने एसिड की, ठीक है, वैसे अब बेस हो गए तो बेस की हम निकालेंगे पीओएच, सेम है बिल्कुल पीओएच, जैसे अब एनए है, एनएओएच है, उसको तोड़ा एनए पॉजिटिव में ओएच नेगेटिव में, यहां से हम क्या निकालेंगे? पीओएच, ठीक है, पीओएच। अब सेम वही बात है, जिसकी ओएच ज्यादा, यहाँ पे क्या होगा? माइनस लॉग ऑफ ओएच नेगेटिव, माइनस लॉग ऑफ ओएच, ठीक है, OH नेगेटिव, नेगेटिव तो जो इसका चार्ज है वही है, ठीक है, माइनस लॉग ऑफ OH नेगेटिव। तो इसके अंदर देखो बच्चों, जिसका OH नेगेटिव ज्यादा, जिसका OH नेगेटिव ज्यादा तो POH कम, ठीक है, और ये ज्यादा और ये कम तो वो क्या होगा? बेसिक होगा, क्या होगा? बेसिक होगा, ठीक है, और जिसका OH नेगेटिव, OH कम, POH ज्यादा,
तो वो क्या होगा, बेसिक होगा, सेम वही कंसेप्ट वही बातें हमेशा, लेकिन क्वेश्चन पीएच में से ज्यादा पूछे जाता है। बात तो वही है, सेम फॉर्मूला है, सेम, बस उसमें पीएच देखना, इसमें पीओएच देखना, ठीक है। तो आज मैं इतना ही करवाऊंगी, ये थोड़ी बेसिक चीजें थी, सबको आती होगी आराम से, ठीक है, इतनी मुश्किल नहीं थी। नेक्स्ट वीडियो है, काफी इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसके अंदर, फॉर्मूले हैं, वो बिल्कुल मतलब एक अच्छी वीडियो है, और क्वेश्चन वहां से कंफर्म मिलेगा आपको, क्वेश्चन तो यहाँ से भी मिलेगा, क्वेश्चन वहां से भी, कम से कम 2 नंबर 3 नंबर का तो ये चैप्टर आएगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।